डिजी लॉकर में फ्रेंड्स आप किस तरह से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि फ्रेंड्स डिजी लॉकर एक ऐसा मतलब कि एप्लीकेशन है जो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उस पर आपको सरकारी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब कि मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट कोई भी हो, या कोविड-19 का सर्टिफिकेट फ़ोटो वाला, ऐसा फ्रेंड्स राशन कार्ड, सब कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट जितना भी है, बढ़िया डॉक्यूमेंट जो है उससे आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, और उसे कहीं भी भारत में दिखा सकते हैं। मान्यता आपको बराबर मिलेगा जैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है। तो किस तरह से जो है आप उस डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको किस तरह से अपना जो है डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना है आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो साथ बने रहिए। मैं हूँ सुजीत सनी, फ्रेंड्स का स्वागत करते हैं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देर करते वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो डिजी लॉकर पे फ्रेंड्स अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में फ्रेंड्स डिजी लॉकर। जैसे यहाँ पे डिजी लॉकर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ डिजी लॉकर आप सर्च करेंगे तो ये वाला लोगो आपको जहाँ भी दिखाई दे फ्रेंड्स, तो सिंपल सी यहाँ पे इस वाला लोगो को आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ तो इसे ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स इसे हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमारे सामने जो ये एप्लीकेशन कुछ ही तरह से ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, इस पर क्लिक कर देना है ठीक है। चलिए गेट स्टार्टेड पर मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा, साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके पास अगर अकाउंट है पहले से बना हुआ तो सिंपल से यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे न्यू बनाना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सिंपल सी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, ओपन होकर जाएगा। तो यहाँ पे आपको फुल नेम डाल देना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है फ्रेंड्स वो नाम डाल देना है, और आधार कार्ड पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे डाल देना है, जिसमें यहाँ पे आपको डेट चूज करना है, यहाँ पे मंथ एंड यहाँ पे ईयर ठीक है। और उसके बाद मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पे चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एक आपको डाल देना है, आपको कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल कीजिए, डायल जो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आप आधार कार्ड में दिए हुए हैं ठीक है। यहाँ पे आपका 6 डिजिट का कोई एक पिन बना लेना है, और उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, कहीं आपके आपके पास मांग दिया जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है। तो चलिए पूरा फॉर्म को भी फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम सबमिट करते हैं। तो सिंपल से फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ मैं डिटेल्स डाल दिया हूँ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल भी मैंने चूज कर लिया है, और मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी भी मैं डाल दिया हूँ, आधार नंबर भी डाल दिया हूँ। सिंपल से सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर मैं इस पर दिया हूँ उस ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास ओटीपी कब तक आता है, क्योंकि मेरा जो सिम है इसी मोबाइल में लगा हुआ है ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। यहाँ पे ओटीपी आ गया है और मैं ओटीपी डालकर सिम मल से यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए बोला है, तो हम पासवर्ड यहाँ पे सेव नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लेटर कर देते हैं ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है फ्रेंड्स अब यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं आप ठीक है। यू कैन सेट योर यूजर नेम, कोई भी यूजर नेम आप एक रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि चलिए कोई एक यूजर नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। मुझे जो यूजर नेम रखना है फ्रेंड्स मैं उस यूजर नेम को यहाँ पे डाल दिया हूँ, सिंपल सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है यहाँ पे योर यूजर नेम विल बी सेट टू यहाँ पे ठीक है इतना। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे ओके करते हैं आप तो यहाँ पे लिख रहा है फ्रेंड्स यूजर नेम सक्सेसफुल क्रिएटेड, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया, मेरा जो अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद फ्रेंड्स सिंपल सी आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाता है ठीक है। मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ इशू डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है बीच वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ यहाँ पे डिटेल्स ओपन होकर के आएगा, आपका जो भी लिंक होगा आधार कार्ड से, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। नहीं शो होता है तो यहाँ ब्राउज वाला फीचर में यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यहाँ से ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे देखना है यानी कि सेट करके रखना है हमेशा के लिए ठीक है, उसे आप सेट कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, मतलब कि उसके बाद हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद
डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर का हो या आधार कार्ड पैन कार्ड जो कुछ भी यहाँ आप सेट करके रख सकते हैं। जैसे मैं यू हैव नो इशू डॉक्यूमेंट लिखा रहा है तो यहाँ पे हम सेट करके नहीं रखे हैं इसलिए सेट नहीं बता रहा है। तो इस आधार कार्ड और पैन कार्ड मतलब कि सर्टिफिकेट जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट किस तरह से आप इसमें सेव कर सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में यही बताया हूँ आपको कि किस तरह से आप जो है डिजी लॉकर पर अपना ये कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं।